अब आंसू मत बहाओ। आंसू क्यों बहा रहे हो? आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आंसू मत बहाओ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने पड़ जाते हैं या फिर सुनने को मिलते हैं जिनमें हमें बोलना होता है आंसू बहाना। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है शेड टीयर्स। शेड टीयर्स का मतलब होता है आंसू बहाना। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चलिए इसको यूज करने का रूल समझते हैं। सो गाइज, इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस शेड टीयर्स और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसमें ये जो शेड है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है, जैसे कि शेड्स, शेडिंग। गाइज ध्यान रखना है कि शेड की पास्ट फॉर्म शेड ही होती है, शेडेड ना बोलें। अब आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। आंसू क्यों बहा रहे हो? Why are you shedding tears? Why are you shedding tears? उसके लिए आंसू मत बहाओ। Don't shed tears for him. या फिर हर, अगर वो एक फीमेल है, वो आंसू बहाता रहा। He kept shedding tears. He kept shedding tears. आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। Shedding tears will not help. या फिर nothing will happen by shedding tears. मुझे शक भरी नज़रों से मत देखो। शक भरी नज़रों से क्यों देख रहे हो मुझे? वो मुझे शक भरी नज़रों से देख रहा था। वो हर किसी को शक भरी नज़रों से देखती है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है लुक एट समवन सस्पिशियसली। लुक एट समवन सस्पिशियसली का मतलब होता है किसी को शक भरी नज़रों से देखना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लुक एट समवन सस्पिशियसली। इसमें ये जो लुक है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है, जैसे कि लुक्स, लुक्ड, लुकिंग एट्सेट्रा। आपको समवन नहीं बोलना है, समवन की जगह पर आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर नाउन बोलना है। वो मुझे शक भरी नज़रों से देख रहा था। ही वॉज लुकिंग एट मी सस्पिशियसली। ही वॉज लुकिंग एट मी सस्पिशियसली। मुझे शक भरी नज़रों से मत देखो। मैंने कुछ नहीं किया। डोंट लुक एट मी सस्पिशियसली। आई डिडंट डू एनीथिंग। डोंट लुक एट मी सस्पिशियसली। आई डिडंट डू एनीथिंग। शक भरी नज़रों से क्यों देख रहे हो मुझे? वाई आर यू लुकिंग एट मी सस्पिशियसली। वाई आर यू लुकिंग एट मी सस्पिशियसली। उसका भाई मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगा। हिज ब्रदर स्टार्टेड लुकिंग एट मी सस्पिशियसली। हिज ब्रदर स्टार्टेड लुकिंग एट मी सस्पिशियसली। क्या वो तुम्हें शक भरी नज़रों से देख रहा था? वॉज ही लुकिंग एट यू सस्पिशियसली। वॉज ही लुकिंग एट यू सस्पिशियसली। अपने काम से काम रखो। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था। मैं तो अपने काम से काम रख रहा था, न जाने वो कहाँ से आ गया। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब हमें बोलना हो अपने काम से काम रखना। इसमें ये जो योर है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, जैसे कि हिज, हर, आवर, देयर एट्सेट्रा। मैंने समझाने के लिए योर लिखा हुआ है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस माइंड योर ओन बिजनेस। इसमें ये जो माइंड है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है, जैसे कि माइंड्स, माइंडिंग, माइंडेड एट्सेट्रा। योर की जगह पर कोई और पजेसिव एडजेक्टिव भी आ सकता है। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। वो हमेशा अपने काम से काम रखता है। ही ऑलवेज माइंड्स हिज ओन बिजनेस। ही ऑलवेज माइंड्स हिज ओन बिजनेस। आजकल मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ और कुछ नहीं। नाउडेज आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस, नथिंग एल्स। नाउडेज आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस, नथिंग एल्स। मैं तो केवल अपने काम से काम रख रहा था,
न जाने कहाँ से वो आ गया। आई वॉज जस्ट माइंडिंग माई ओन बिजनेस, आउट ऑफ नोवेयर ही केम। आई वॉज जस्ट माइंडिंग माई ओन बिजनेस, आउट ऑफ नोवेयर ही केम। आउट ऑफ नोवेयर का मतलब होता है न जाने कहाँ से। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। काफ़ी लोग इसको विटामिन बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनंसिएशन है। इसकी सही प्रोनंसिएशन विटामिन नहीं, विटामिन होती है, विटामिन। इसके अलावा इसको वाइटामिन भी बोला जाता है, वो भी बिल्कुल सही है। एक्चुअली ब्रिटिश प्रोनंसिएशन में इसको विटामिन बोला जाता है और अमेरिकन प्रोनंसिएशन में इसको वाइटामिन बोला जाता है। तो आप विटामिन या फिर वाइटामिन दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, लेकिन विटामिन ना बोलें। सो गाइस, दो सेंटेंसेस आप सभी के लिए। अब मैं आंसू नहीं बहाता, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। आपको ये दोनों सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं और कमेंट में लिखने हैं। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। इनकी सही ट्रांसलेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है, ताकि आप चेक कर सकें कि आपने सही ट्रांसलेट किया था या नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना आंसर कॉमेंट में लिखने के बाद ही डिस्क्रिप्शन में चेक करें, नो चीटिंग। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।